नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं का आज हम डिस्कस करेंगे। ये बिंदु किसी भी विद्यार्थी के लिए जो गणित सीखना चाहता है उसके लिए बेसिक फैक्ट्स के लिए काम करेंगे, और उस विद्यार्थी के लिए भी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तब तक हल नहीं कर पाएंगे जब तक इन बेसिक फैक्ट्स का हमें ज्ञान नहीं होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर करें वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद गेम्स, प्लेइंग विद नंबर्स। सबसे पहला बिंदु इसमें हमारा रहेगा गुणनखंड तथा गुणज, यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं, यानी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, सम तथा विषम, इवन तथा ओड नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये विभाज्यता का गुण है जो हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं किन किन संख्याओं को भाग कर सकती हैं, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। फिर बात करेंगे HCF और LCM की, क्या होते हैं, डीपली इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक लगातार जुड़े रहिए हमसे। सबसे पहला बिंदु लेते हैं हम गुणनखंड तथा गुणज। गुणनखंड वो संख्याएं जो किसी दी हुई एक या एक से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं, उन संख्याओं के गुणनखंड कहलाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और 6, ये 12 के गुणनखंड हैं। 18 के गुणनखंड अगर हम लें 1, 2, 3, 6, 9 और स्वयं 18 और इसमें स्वयं 12 भी होता है, ये 12 के गुणनखंड हैं, ये 18 के गुणनखंड हैं। इनमें से प्रत्येक गुणनखंड 12 को विभाजित करेगा और इनमें से प्रत्येक 18 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। फिर होता है गुणज। दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या गुणज कहलाती है। जैसे 4 के गुणज अगर हम लें तो 4, 8, 12, 16, 20 और ऐसे चलते जाएंगे, यानी 4 का पहाड़ा और उसके अतिरिक्त वो सभी संख्याएं जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं 4 के गुणज कहलाते हैं। इसी प्रकार 5 के गुणज अगर हम लें तो 5 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं और इनके अतिरिक्त 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली वो संख्याएं जो 5 से पूर्ण विभाजित हैं उसके गुणज कहलाती हैं। तो ये हैं गुणनखंड, ये है गुणज। ध्यान रखें एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और गुणनखंड ये बात भी ये बिंदु भी ध्यान रखें, गुणनखंड जो है किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है, और गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, यानी हम उनको गिन सकते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड 6 हैं, 18 के गुणनखंड भी 6 हैं। गुणज जिस भी संख्या के गुणज हम निकालना चाहते हैं वो सभी दी हुई संख्या के या तो बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं, और ये गिनती में इनफाइनाइट होते हैं, यानी इनको हम गिन नहीं सकते, ये असीमित होते हैं। फिर आती है अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखें एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ये ध्यान रखें, और स्वयं वो संख्या भी अपनी गुणनखंड होती है अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के दो से ज़्यादा गुणनखंड ना हों, और गुणनखंड वो दो कौन से होंगे, एक तो संख्या एक तथा एक वो संख्या स्वयं, जैसे 3
कि ये गुणनखंड एक और तीन होंगे। इसका मतलब तीन क्या हुई, अभाज्य संख्या हुई। सात, सात के गुणनखंड एक और सात, तो इसका अर्थ क्या हुआ, सात एक अभाज्य संख्या है क्योंकि सात के दो ही गुणनखंड हैं। तो वो सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या स्वयं और एक एक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं जिनको अंग्रेजी में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर कहा जाता है उनको। उदाहरण अगर हम लें तो जैसे चार है, चार के गुणनखंड एक दो और चार, इसके गुणनखंडों की संख्या तीन है, तो इसका मतलब चार क्या हुई, भाज्य संख्या है। कोई और उदाहरण अगर हम लें जैसे दस है, नौ ही ले लेते हैं, नौ, नौ के गुणनखंड एक तीन और नौ, इसके गुणनखंडों की संख्या भी तीन है, तो नौ भी क्या हुई, भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या का भी विषय हो गया है। फिर है सम और विषम, सम संख्या, सम संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, ये सभी संख्याएं दो से भाग हो रही हैं पूरी, और इनकी संख्या भी असीमित है यानी इनफाइनाइट है, तो ये सभी संख्याएं सम संख्या हैं। विषम संख्या की बात करें हम, विषम संख्या जो दो से भाग ना होती हों, जैसे एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, ये भी असीमित होती हैं, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिनको हमने ध्यान रखना है। नंबर एक, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। नंबर दो, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है। नंबर तीन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। नंबर चार, एक न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य होती है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य होती है, ये ध्यान रखना है। नंबर पाँच, दो ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य भी है, अभाज्य भी है, तो ये बिंदु हमने ध्यान रखने हैं। ये बेसिक फैक्ट्स हैं किसी भी विद्यार्थी के लिए जो गणित सीखना चाहता है। अब हम बिंदु लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स, वो संख्याएं जिनमें सार्व गुणनखंड केवल एक हो, जैसे पाँच और छः, इनमें पाँच के गुणनखंड एक और पाँच, छः के गुणनखंड एक दो तीन और छः, इनमें जो सार्व गुणनखंड है यानी कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक है, तो इसलिए पाँच और छः क्या हैं, को प्राइम नंबर्स। इन को प्राइम नंबर्स में सम संख्या भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। तो वो जो दो संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बिंदु पाँच की, जो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट है। डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी वो बिंदु जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या दो से विभाजित होगी या तीन से विभाजित होगी या चार से होगी या पाँच से होगी, वो सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दो से, दो का डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी
टेस्ट। यदि यानी दो से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, यदि इकाई का अंक द डिजिट इन वंस प्लेस अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से है तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं 218, इसमें इकाई का अंक यानी वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 8 है, इसलिए संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण जैसे 325 अगर मैं ये संख्या लेता हूँ तो इसके अंकों का योग यानी सम ऑफ इट्स डिजिट्स 3+2+5, 3 और 2 5 और 5 10, 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 325 भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर अगर 325 की जगह 324 होता तो इसका जोड़ होता 3+2+4 यानी कि 9, और 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होती। फिर है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, किसी संख्या के आखिरी दो अंकों से वो संख्या जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट हैं और वंस और टेंस प्लेस से बनी हुई संख्या यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से भाग हो जाती है तो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे यही उदाहरण हम लेते हैं 324, इसका इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या है हमारे पास 24 और ये 4 से भाग हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 324 भी 4 से भाग हो जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल आसान होता है, यदि इकाई का अंक यानी वंस प्लेस पर हमारे पास 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण अगर हम लें इसका तो 805 में इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे अगर हम बात करें 48 की, तो ये संख्या का पहले हमने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, इसका इकाई का अंक 8 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर इस संख्या के अंकों का जोड़ 4+8 12 है, 12 जो है 3 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम देखते हैं तो 3 से ज़्यादा डिजिट की संख्या, 3 से ज़्यादा डिजिट की संख्या के पहले आखिरी 3 अंक यानी इकाई दहाई और सैकड़े से बने अंक, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं ये, इस संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या है 823, ये अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो ये संख्या भी पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें 3 से अधिक डिजिट्स की संख्या के लिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट मानते हैं इसको, और इसको अगर हम 8 से भाग करके देखते हैं तो 8 से डिवाइड ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 4823 भी 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो 3 का था डिविजिबिलिटी टेस्ट वो 9 जैसा ही होता है, यानी अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये इतनी बड़ी संख्या है 12,345, ये हमने देखना है कि 9 से भाग होगी कि नहीं, तो इसके अंकों का जोड़ करेंगे 1+2+3+4+5, तो इसके अंकों का जोड़ हुआ 10 और 5 15, और ये जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। फिर है 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, बिल्कुल आसान होता है, यदि इकाई का अंक
यदि इकाई का अंक यानी वंस प्लेस जीरो है तो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। जैसे 20 है, 500 है, इनका इकाई का अंक जीरो है तो 10 से भाग हो जाएगी आसान से। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें किसी संख्या, वो संख्या 11 से भाग होगी यदि उसके सम अंकों का जोड़, सम अंकों पर स्थित डिजिट्स जो अंक हैं उनका जोड़ विषम अंकों स्थानों पर, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का जोड़ का डिफरेंस यानी घटा या तो जीरो आ जाए या 11 से वो भाग हो जाए। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, एक जैसे 2, 8, 5, 7, 1, 3, 2, इसमें हम सबसे पहले सम अंकों पर स्थित जो संख्या हैं उनका जोड़ करते हैं। सम पर ये हैं, सॉरी ये हैं, ये है और ये है, इनका जोड़ करेंगे यानी 8 + 7 + 3 और ये हो गया 18। अब जो विषम अंकों पर हैं उनका जोड़ होगा 2 + 5 + 1 + 2 यानी 5 और 5 = 10। अब इनका अंतर यानी 18 - 10 अंतर आ गया 8। अब ये ना 11 से डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह पर अगर मैं 6 कर देता, सॉरी ये 2 है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 1, 2, 1, 2, 1 ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी देखने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले सम जो अंक हैं उन पर हम निशान लगाते हैं और उनका जोड़ निकालते हैं, तो 2 + 2 = 4। अब विषम अंकों पर जो स्थित हैं 1 + 1 + 1 ये आ गया 3, तो 4 - 3 ये आ गया 1। अंतर क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए या तो 0 या 11, ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है, एक आ गया है तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। अगर यहाँ पर मैं 1 की बजाय यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ तो फिर जो है इनका जोड़ हो जाएगा 4, और फिर 4 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो यह आ गया 0। अब जो है ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं HCF की। HCF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम GCD भी बोल देते हैं यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो HCF क्या होता है, HCF वो संख्या, वो सबसे बड़ा गुणनखंड, वो सबसे बड़ा गुणनखंड जो 1, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर सकता है HCF कहलाता है। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है, अपवर्तक। गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं। जैसे 16 के अपवर्तक हुए 2, 1, 2, 4 और 16, और 18 के अपवर्तक हुए 1, 2, 3, 6 और 9 और 18। ये 18 के अपवर्तक हैं, ये 16 के अपवर्तक हैं। समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड। समापवर्तक तो इसमें 1 है 2 है यही हैं, 1 और 2 यही हैं।
इन दोनों में जो बड़ा है, महत्तम, महत्तम यानी बड़ा, महत्तम समाप वर्तक, इन दोनों में से बड़ा है दो, तो 16 और 18 का जो महत्तम समाप वर्तक है वो क्या रहेगा, दो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हैं ये और हाईएस्ट है इसमें दो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ ये। ये है हमारा HCF। इसकी इसको ज्ञात करने की विधियाँ, और अगर एक उदाहरण और लेते हैं तो एक और देख सकते हैं हम, 20 के फैक्टर हम करेंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, 24 के हम फैक्टर करेंगे 1, 2, 4, 6, 12 और 24, ये हो गया। अब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है इसमें 1, 2 और 4। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें 4, इन तीनों में से हाईएस्ट है 4, तो इसका 20 और 24 का जो HCF है वो क्या रहेगा, वो 4 रहेगा। अब HCF ज्ञात करने की, तो HCF एक तो हमने ऐसे निकाला है कि कॉमन फैक्टर निकाल करके, दूसरा इसका भाग विधि से जो तरीका है, जैसा हम 169 और 189 का अगर हम HCF निकालें तो 189 को हम 169 से भाग करेंगे, 0, 8 में से 6 गए 2, 169 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8 पे चलेगा, 8 × 2 = 16, ये 9, अब इस 20 को हम डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18, 5 × 2, अब हम इसको 9 से करेंगे, 2 × 8 और ये हो गया 1, और 2 से इसको अगर हम करेंगे तो 2 पे चलेगा, तो 1 बच गया यहाँ पर। 169 और 189 का जो HCF है वो होगा 1, और यही नियम 3 संख्याओं पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं LCM की, LCM क्या होता है, LCM यानी लीस्ट लोवेस्ट कॉमन, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल है, गुणज जिसको हम बोलते हैं, यानी वो सबसे छोटा गुणज जो दो से, दो या दो से अधिक संख्याओं को से भाग हो सकता है, LCM कहलाता है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है, समापवर्त्य। जैसे 18 का के अगर हम 18 के नहीं, इसके में हम 4 के गुणज अगर हम निकालें तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 20, 4 × 6 = 24, ये हैं। 6 के गुणज 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, ये हैं। और इन दो का ही अगर हम लोग उत्तम समापवर्त्य निकालें तो कॉमन मल्टीपल इसमें हुए 1 तो 12 और 1 = 24, तो 12 और 24 इसमें हुए, तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें छोटा कौन सा है, 12, तो ये 4 और 6 का जो LCM है वो आ जाएगा 12। और इसकी ज्ञात करने की विधि एक तो यही है, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके, जैसे हम निकालते हैं 4 और 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल करके जो कॉमन होते हैं उनको हम ले लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके, जैसे 4 के अभाज्य गुणनखंड हम करें तो 1 × 2 × 2, और 6 के अगर हम करें तो 1 × 2 × 3, ये हो गया।
बेल्शियम इसका आएगा, इसमें से एक ले लेते हैं और इसमें से एक ले लेते हैं, यानी एक गुणा में दो गुणा में दो गुणा में तीन, इनकी अगर हम गुणा करेंगे जो बच गए वो भी हमने साथ में लेने हैं बाद में, तो दो दुनी चार तीय 12, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम और एचसीएफ का एक एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा तरीका इसका क्या है उसे पहले हम ये कर लेते हैं। जैसे 4, 6 और 8 का हमने एलसीएम निकालना है, तो भाग विधि से ये तरीका है इसका, अभाजक गुणनखंडों से ही हमने, अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है, 2 दुनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 3, 2 दुनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से, तो अब हम इनके गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 8 तीय 24, यानी 4, 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। एक प्रॉपर्टी और है, किन्हीं भी दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में, तो दोनों पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ये नियम है। यानी अगर हमारे पास एचसीएफ है तो हम एचसीएफ से उन दोनों संख्याओं की गुणा को भाग करके एलसीएम निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास एलसीएम है तब हम उसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं इन दोनों संख्याओं की गुणा को भाग करके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आए होंगे बिंदु। फिर भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट में लिख दे या फ़ोटो खींच करके कमेंट में भेज दे, उसका बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।